दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार वीडियोस के माध्यम से विभिन्न बैंक और फाइनेंस कंपनियों की जानकारियों के साथ ही साथ आपके लिए उनके लोन प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारियां भी लाते रहते हैं। दोस्तों, हमने ऐसी ही जानकारियों वाली एक पूरी वीडियो सीरीज़ बना रखी है और इस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं दो बैंक और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में जो आपको आसानी से कम ब्याज दर पर होम लोन देने का दावा करती है। तो यदि आप भी इन बैंकों और इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के होम लोन प्रोडक्ट की जानकारी चाहते हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज हम न केवल इनके होम लोन से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट पर बात करेंगे, बल्कि यदि आप यहां से होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको कितना ब्याज और चार्जेस देना होगा और आप कैसे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही वीडियो के आखिरी में कुछ ज़रूरी बातें भी बताएंगे जिसको ध्यान में रखकर आप आसानी से यहां से होम लोन ले सकते हैं। तो बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगलेश, आप हैं हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वैसे तो आज बहुत सी बैंक और फाइनेंस कंपनियां होम लोन देने का काम कर रही है, लेकिन आज हम जिन दो बैंक और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात कर रहे हैं वहां से होम लोन लेना न केवल आसान है बल्कि इनके ब्याज और चार्जेस भी अन्य बैंक या फाइनेंस कंपनियों की तुलना में काफी कम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बैंक से जो आसानी से होम लोन देने का काम करती है। दोस्तों, पहली बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। देश की बड़ी बैंक में से एक पंजाब नेशनल बैंक काफी आसानी से होम लोन देने का दावा करती है। इस बैंक की खासियत की बात की जाए तो तेज प्रोसेस और आसान होम लोन इसकी खासियतों का हिस्सा है। ब्याज की बात की जाए तो यदि आप यहां से होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल के आधार पर आपको अनुमानित तौर पर 8.50 से लेकर 9% तक का ब्याज चुकाना पड़ सकता है। चार्जेस की बात की जाए तो होम लोन लेने के लिए आपको लगभग 0.35% से लेकर 0.5% तक का चार्जेस आपके द्वारा लिए जा रहे लोन अमाउंट पर चुकाना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो सामान्य आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ के साथ ही साथ इनकम डॉक्यूमेंट की जरूरत भी आपको यहां से होम लोन लेने के लिए पड़ सकती है। इसके अलावा संपत्ति के संपूर्ण डॉक्यूमेंट के साथ ही साथ पिछले एक साल की अपडेट पासबुक की भी बैंक पासबुक की भी जरूरत आपको यहां पड़ेगी। हालांकि यह बैंक इसके अलावा भी कुछ अन्य दस्तावेज आपसे आपकी प्रोफाइल के हिसाब से मांग सकती है। दोस्तों, दस्तावेजों के संबंध में यदि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस बैंक का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, होम लोन आवेदन की बात की जाए तो आप यहां से तीन तरीके से होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला है स्थानीय बैंक या ब्रांच में सीधे आवेदन करके। इसमें आप इस बैंक की नजदीकी ब्रांच में जाकर सीधे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोन आवेदन का दूसरा तरीका है, आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और आपकी सहायता के लिए ऑनलाइन लोन आवेदन की डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लोन आवेदन करने का तीसरा तरीका है, आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर संपर्क करके भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन लोन आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसकी बात हम वीडियो के आखिरी में करने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बैंक की जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों, यह भी देश की बड़ी बैंकों में से एक है और काफी आसानी से होम लोन देने का दावा करती है। इस बैंक की खासियत की बात की जाए तो कम दस्तावेज और आकर्षक ब्याज इसकी खासियतों का हिस्सा है। ब्याज की बात की जाए तो यदि आप यहां से होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल के आधार पर और क्रेडिट स्कोर के आधार पर आपको अनुमानित तौर पर 9% से लेकर 10.05% तक का ब्याज चुकाना पड़ सकता है। चार्जेस की बात की जाए तो होम लोन लेने के लिए आपको लगभग 0.5% तक का चार्जेस चुकाना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो यहां भी आपको सामान्य आईडी एड्रेस प्रूफ के साथ इनकम डॉक्यूमेंट की जरूरत होम लोन लेने के लिए पड़ सकती है। इसके अलावा संपत्ति के संपूर्ण दस्तावेजों के साथ अन्य दस्तावेजों की जरूरत भी आपको यहां पड़ेगी।
हालांकि इस बैंक की पॉलिसी के अनुसार यदि कुछ दस्तावेज जरूरी हो तो बताए गए डॉक्यूमेंट के अलावा भी कुछ दस्तावेज यह आपसे मांग सकती है। दोस्तों यहां भी बोलना चाहूंगा कि दस्तावेजों के संबंध में यदि आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप इस बैंक का नाम लिखकर यानी कि ICICI बैंक का नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों होम लोन आवेदन की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप उन्हीं तीन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं जो मैंने पहली बैंक के संबंध में बताए थे। यानी पहला आप सीधे ICICI बैंक की नज़दीकी ब्रांच में जाकर आवेदन कर सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, और तीसरा आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों के माध्यम से भी होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहां भी लोन के लिए आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है जिसकी बात हम वीडियो के आखिरी में करेंगे। तो चलिए दोस्तों आखिरी में बात करते हैं उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जो आसानी से आपको होम लोन देने का काम करती है और जिसका नाम है आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों यह भी देश की बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक है और काफ़ी आसानी से और तेज़ी से होम लोन देने के साथ ही साथ कम ब्याज पर होम लोन देने का दावा करती है। इस कंपनी की खासियत की बात की जाए तो आसान प्रक्रिया, कम ब्याज और तेज़ी से लोन देना इसकी खासियतों का हिस्सा है। ब्याज की बात की जाए तो यदि आप यहां से होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल और क्रेडिट स्कोर के आधार पर आपको अनुमानित तौर पर 9% से लेकर 10.05% तक का ब्याज चुकाना पड़ सकता है। चार्जेस की बात की जाए तो आदित्य बिरला होम लोन कंपनी से होम लोन लेने के लिए आपको लगभग 1% तक का चार्जेस चुकाना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो यहां भी आपको सामान्य ID एड्रेस प्रूफ के साथ आपके इनकम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। चूंकि आप होम लोन ले रहे हैं तो संपत्ति के संपूर्ण दस्तावेजों के साथ पिछले 1 साल की अपडेटेड बैंक पासबुक की भी ज़रूरत आपको यहां से होम लोन लेने के लिए पड़ सकती है। हालांकि आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की कुछ पॉलिसी के अनुसार यदि कुछ सामान्य दस्तावेज आपकी कमी पेशी में हैं तो हो सकता है बताए गए दस्तावेजों के अलावा भी आपसे कुछ दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। दोस्तों यहां भी कहना चाहूंगा कि दस्तावेजों के संबंध में यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप आदित्य बिरला होम लोन डॉक्यूमेंट लिखकर कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों होम लोन आवेदन की बात की जाए तो आप यहां भी उन्हीं तीन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं जो मैंने पहली और दूसरी बैंक के संबंध में बताए थे। यानी पहला आप सीधे आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस की नज़दीकी ब्रांच में जाकर आवेदन कर सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसकी डायरेक्ट लिंक, आवेदन करने की डायरेक्ट लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, और तीसरा आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर के माध्यम से या उन पर संपर्क करके भी होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी होम लोन आवेदन करने से पहले कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है जिसकी बात हम वीडियो के आखिरी में करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको हर बैंक और कंपनी की जानकारी के आखिरी में बताया कि आपको लोन आवेदन से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, तो हम एक एक करके उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि मैंने आपको तीनों बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ब्याज और चार्जेस के बारे में जानकारी दी है, तो ध्यान रखें कि यह ब्याज आपकी प्रोफाइल, आपकी क्रेडिट स्कोर और आपकी संपत्ति के मूल्यांकन के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। इसलिए लोन आवेदन करने से पहले ब्याज के बारे में पुख्ता जानकारी लेना आपके लिए ज़रूरी होता है। दूसरी बात, लोन स्वीकृति का पूरा निर्णय बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर निर्भर करता है। मतलब बैंक या कंपनी आपकी प्रोफाइल और अन्य बातों को आधार मानकर लोन देती है, तो यदि आप लोन के लिए योग्यता रखते हैं तो आपको लोन मिल सकता है। तीसरी ज़रूरी बात कि इन बैंक या HFC की सभी जानकारी हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ली है जिसमें बैंक या कंपनी समय समय पर बदलाव कर सकती है। तो यदि आप वीडियो पब्लिश होने के कई दिनों बाद ये जानकारी देख रहे हैं तो सभी जानकारियां एक बार फिर से चेक कर लेना आपके लिए ज़रूरी है। चौथी और आखिरी ज़रूरी बात कि इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी बैंक या उनके लोन प्रोडक्ट की का प्रचार या प्रसार नहीं करते हैं, और ना ही बैंक या फाइनेंस कंपनी ने हमें ऐसा करने के लिए स्पॉन्सर किया है। तो कोई भी सुविधा लेने, लोन लेने से पहले एक बार अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें।
तो दोस्तों ये थी दो बैंक और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जानकारी जो आपको आसानी से और कम ब्याज पर होम लोन उपलब्ध कराती है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों हो सकता है आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी होम लोन की ज़रूरत हो, तो उनसे ये वीडियो शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे ये वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।